मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sunilist.com वहां क्या कर रहा है? अच्छा मस्ती चल रही है? दिया तुम सबको समय दिया? हाँ 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 दे रहा हूं, सबको खाना दे रहा हूं। ओ टिलू, हाँ? जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ, जाओ। मधुरिमा बेटा, हे घे, आज तुम्हारी मनपसंद पूरन पोली बनाई है, गरम गरम आहे खाऊंगे। काय झालं, सुनकर खुश नहीं हुई? बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं आई, बस यूं ही। देख रही हूँ जब से तुम वापस लौटी हो इसी तरह से उदास बैठी हो। आई, कभी कभी शांत रहना भी तो अच्छा होता है ना। समझी, तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। देखो बेटा, इस उम्र में कभी कभी इंसान अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनता। मैं तुम्हारी आई हूँ और मदन तुम्हारा भाऊ है, हम दोनों जो भी सोचेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचेंगे ना। आई, एक इंसान के लिए जो खाना होता है वो कभी कभी दूसरे के लिए जहर भी हो जाता है। अब खाना खाने बैठी है, खाना खाते हुए ऐसी जहर वाली बातें करूं नकोस ना। आई प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? और मेरी मानो तो तुम भी खाना खाकर अच्छे से शांत होकर सो जाना। कभी कभी जब मन अशांत होता है ना, तो इंसान अच्छी बातें सोच ही नहीं पाता। लेकिन तुम देखना बेटा, कल सुबह जब तुम सोकर उठोगी ना, तो ये सारी परेशानियां तुम्हें बहुत छोटी लगेंगी। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट आई। कल की सुबह कैसी होगी पता नहीं, बस आज की रात कट जाए। इतनी रात को कौन है? शायद मदन भाऊ होंगे। सुल्तान, तुम यहाँ कैसे?
सुल्तान, 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 क्या कर रहे हो? सुल्तान, ये तुम क्या कर रहे हो सुल्तान? मधु तू ठीक तो है ना बेटा? कहाँ है तू? कहाँ है? ठीक है ना तू? ये तो सरजी राव का कौवा है, बल्ब तोड़ डाला, बेड़ा कुटला। ठहर, मैं अभी टॉर्च लेकर आती है। किधर गया रे तू? हाँ, मेरे घर में काय को घुसा? नास पिटिया, कहाँ है रे तू? कहाँ है? मधु, ये क्या हुआ रे? देवा रे देवा, मधुरिमा है काय झाला? अरे आई, क्या हुआ मधु को? डॉक्टर बुला, एम्बुलेंस बुला। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आई, मधु अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं। हाँ सुनैना बोलो। हेलो हेलो वरुण। हाँ सुनैना बोलो, क्या बात है? सुनो, कल हमें नासिक जाना है, सुबह निकलेंगे, तुम तैयार रहना। नासिक क्यों? नासिक के पास अंगूरपाड़ा गांव है, केडी सर ने केस लिया है, उसी के सिलसिले में वहां पर जाना है। पूछना। तुम पूछो। सर, वन क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो। संभवतः तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं परवे राव को कैसे जानता हूँ। तो क्या है सुनैना, जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका ये अर्थ होता है कि वो अपना मानसिक विकास करना चाहता है, और अच्छा है प्रश्न पूछना अगर प्रश्न सही समय पर पूछा जाए तो। सर तो मैंने सही समय पर। ये तो समय ही बताएगा तुम्हें। रहा प्रश्न मेरा भरते राव को जानने का, तो नासिक में मिले थे हम दोनों, पक्षी पशुओं का अध्ययन करने आया था, और मैं अपने सीनियर लॉयर जो थे उस समय मनोहर जी, श्री मनोहर जी, उनके साथ उनकी सहायता कर रहा था एक केस लड़ने में, और पहली ही भेंट में मुझे सरजे राव की विनम्र स्वभाव, उसकी सरलता, ये भा गई मुझे। फिर मैं उसके परिवारजनों से मिला, वो भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सरल। फिर मित्रता हो गई। आज जा रहा हूं उसका बचाव करने, अपनी मित्रता का कर्तव्य पूरा करने। और कोई प्रश्न? नो सर। राव, क्या कर दिया तूने? अरे केडी भाऊ, कैसे हो आप? मैं दुखी हूँ, तुझे इस परिस्थिति में देखकर खुश कैसे हो सकता हूँ? देवाचा प्रकोप भाऊ, पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल होगा जो भुगत रहा हूँ। तेरे कर्मों का फल तो मीठा ही होना चाहिए, ऐसा कटु फल नहीं। इतना भरोसा है भाऊ आपको मेरे पे? इंसान की प्रवृत्ति और उसकी स्वाभाविकता तो उसके प्राण के साथ ही जाती है। तेरी प्रवृत्ति में जानता हूं मनुष्य पक्षियों की सहायता करना, जिनसे तू प्रेम करता है, जिनकी सहायता करता है, उनकी हत्या तो तू कर ही नहीं सकता। लेकिन भाव कानून तो मेरे को खूनी समझता है। ऐसा उनका मानना है, संदेह है,
जिसके चलते तुझ पर आरोप लगा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तू दोषी नहीं है और तू निर्दोष है, ये मैं अदालत में प्रमाणित भी करूंगा। भाऊ, आप तो जानते हो कि मेरे को पक्षियों से प्यार है, उनकी भाषा समझना सीखना शौक है मेरा। अब तो इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत बोलकर मैं छोटे मोटे काम भी करवा लेता हूँ, जैसे इंसानों को बोलकर करवाते हैं ठीक वैसे ही। तू वाह, ये कार्य तो कितने वर्षों से कर रहा है? 16 वर्षों से। साहब, मेरे सभी पक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं घंटों बैठकर उनके साथ बातें करता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ। अरे कैसा है तू सुल्तान, आज बड़ा उदास लग रहा है तू। और उनसे खून भी करवा सकते हैं? नहीं साहब, मैंने कोई भी खून नहीं करवाया, अच्छी शपथ। योर ऑनर, ये बड़ा अजीबोगरीब केस है, ऐसा केस न तो आज तक किसी ने देखा होगा न ही सुना होगा। खून करने के लिए लोग एक से एक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा केडी साहब। ये जनाब, आपका नाम क्या बता रहा? सरजे राव। सरजे राव, सरजे राव जी पक्षियों से हत्या करवाते हैं। इन्होंने अपने पालतू पक्षी सुल्तान से ये सब काम करवाया। नहीं साहब, ये सच नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। अच्छी शपथ साहब, झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, क्या ये भी झूठ है कि आपको मधुरिमा से प्यार नहीं था, उससे आपकी सगाई नहीं हुई थी, उसे आप शादी नहीं करने वाले थे और उसकी माँ और उसके भाई दोनों को इस शादी से एतराज था? ये सच है, उनके परिवार वालों का काफी प्रेशर था हमारे ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन खून हुआ उस दिन दोपहर को वो आपके घर आई थी या नहीं, और आने के बाद उसने ये सगाई तोड़ी थी या नहीं? सरजा, मैं तेरे साथ लगन नहीं कर सकती, मुझसे रोज रोज का ये टेंशन संभालने को नहीं होता रे बाबा। क्या हुआ, तू टेंशन काहे को लेती है? मैं है ना, मैं सब ठीक कर देगा। तू काहे करना, तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ तेरे पक्षियों की भाषा और उनकी तकलीफ समझ सकता है, इंसानों का दर्द और तकलीफ समझना तेरे बस का नहीं है रे सरजा। हे मधु, मेरे पक्षियों को कुछ नहीं बोलने का, और फिर मुझे क्या समझाना है? जाके अपने उस बेकार भाई को समझाओ जो दिन भर गांव वालों पे दादागिरी करता रहता है और कुएं के बगल में बैठ के बीड़ी पीता रहता है। पता है गांव वाले क्या बोलते हैं उसके बारे में? तू उसका छोड़, गांव वाले तेरे को क्या बोलते हैं मालूम है तेरे को? सनकी बोलते रे तेरे को, एड़ा बोलते है एड़ा। अक्का दिन तू ची ची चाऊ चाऊ करता रहता है, तेरे कपड़ों में से भी पक्षियों की बदबू आती है रे सरजा। देख देख, तेरे बालों में भी पक्षियों के पर छुपे रहते हैं। सरजा, तू बेजुबान की भाषा समझ सकता है, लेकिन तू मेरी तकलीफ और मेरी भाषा नहीं समझ सकता रे। मेरे आई दादा मेरे भविष्य को लेकर कितने परेशान है, इसीलिए वो तुझसे लगन करने को मना करते हैं रे। मैं क्या करूं सरजा? देखो मैम, मैं सब समझता हूँ, तुझे मुझ पर विश्वास है ना, तुझे बहुत खुश रखूंगा, सच। क्या तू मेरे लिए अपने पक्षियों को छोड़ सकता है? मैं अपने पक्षियों के बगैर, मतलब? मतलब साफ है, तू अपने पक्षियों के बगैर नहीं रह सकता और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। एक मिनट, जब मुझे छोड़कर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों थी? तुझे मेरे पक्षियों से नफरत है? हाँ? जा, मुझे अब तुझसे नफरत है, जा तू यहां से, समझी? बस बस बस, सब समझ गया योर ऑनर। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी प्रेमिका ने प्यार में इन्हें धोखा दिया, इसलिए इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने उसका खून कर दिया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये गुस्से में जरूर थे लेकिन आपे से बाहर नहीं थे। इन्होंने किसी नॉर्मल हथियार से हत्या नहीं करवाई, बल्कि अपने पक्षी का इस्तेमाल किया, अपने उस रेवेन का जिसका नाम था सुल्तान।
आजा। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। जाओ। नहीं साहब, मैंने सुल्तान को नहीं भेजा था मधुरिमा को मारने के लिए। मैंने तो सिर्फ उसके हाथों एक चिट्ठी भेजी थी। उसके पास तो चिट्ठी है किधर? वो मधुरिमा के पास होगी। मेरा मतलब है कि उसके घर में होगी, उसके कपाट में होगी। नहीं ऑनर, पुलिस ने उस घर के अच्छे से तलाशी ली और उन्हें कोई भी चिट्ठी नहीं मिली वहाँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने हमेशा चिट्ठियाँ भेजी हैं उसके जरिए। आज तुझे बहुत स्पेशल काम करना है। आ जा। क्या देख रहा है? देखो ये चिट्ठी बहुत खास जगह पहुंचानी है। ले लेकर जा अब तू। ये जा। लेकिन उस दिन आपने सुल्तान को चिट्ठी लेके नहीं भेजा, किसी की हत्या करने के लिए भेजा, एक पक्षी के मार्फत, ताकि किसी को इन पर शक ना हो। प्रोसिक्यूटर साहब, आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। योर ऑनर, जैसे कि अभियोग पक्ष महोदय ने हमें बताया कि सरजे राव क्रोधित था और इसका क्रोध इसके बस में था। यदि ऐसा था तो ये अपने ही डोम कौए को, अपने रेवन को किसी की हत्या करने क्यों भेजते? जबकि पूरा अंगूरवाड़ी जानता है कि इनमें जो कार्य कुशलता है पक्षियों से बात करने की, वार्तालाप करने की, वो कुशलता और किसी मनुष्य में है ही नहीं। फिर ये अपना ही पक्षी भेज कर हत्या करवा कर अपने आप को संदेह के घेरे में क्यों डालेंगे? द्वितीय, किसी पक्षी पर हत्या का आरोप लगाने से पहले हमें इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि एक पक्षी में किसी मनुष्य के आदेश को मानकर किसी और मनुष्य पर आक्रमण करके उसकी हत्या करने की क्षमता भी होती है या नहीं। और इस विषय पर रोशनी डालने के लिए योर ऑनर, मैं सिंगापुर के विश्वविख्यात जरोंग बर्ड सैंक्चुरी के मिस्टर जयरामन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर जयरामन, आप तो भारतीय ही हैं, है ना? जी, मैं इंडियन हूँ, पर लास्ट 25 इयर्स से मैं सिंगापुर में ही रहता हूँ। किंतु आप हिंदी भाषा तो ठीक से बोल लेते हैं? जी बिल्कुल। कितना समय हो गया आपको इस बर्ड पार्क में कार्य करते हुए? 23 वर्ष हो गए। मैंने हर तरह के बर्ड्स को ट्रेन किया है और वो सब मेरे अच्छे दोस्त बन गए। योर ऑनर, मिस्टर जयरामन की पक्षियों से कितनी मित्रता है, ये पक्षियों के कितने निकट है, ये मैंने स्वयं देखा है आपके ही बर्ड सेंचुरी में। आपका जो शो आप करते हैं योर ऑनर, बहुत ही विचित्र करतब करवाते हैं ये पक्षियों से। कमिंग टू द पॉइंट मिस्टर जयरामन, ये जानना था आपसे कि क्या ये संभव है कि किसी डोम कौए को, किसी रेवन को ऐसी प्रशिक्षण दी जाए कि वो 4-5 किलोमीटर दूर उड़ के जाकर किसी की हत्या कर दे? हत्या? बर्ड्स तो नेचर लविंग होते हैं। रेवन थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। And I'm sure, रेवन तो क्या, किसी भी बर्ड को मर्डर करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। Not possible, Your Honor. साहब, पक्षियों से बातें करके मैंने सिर्फ कुदरत और इंसान के बीच की दूरियों को कम करना चाहा था, किसी का खून करना नहीं चाहा था। अगर आपने सुल्तान को नहीं भेजा तो मधुरिमा की मां ने क्या देखा फिर? Your Honor, इनका प्लान था कि अंधेरे में सुल्तान को भेजे, वो हत्या कर दे ताकि उसे कोई न देख पाए, लेकिन मधुरिमा की मां ने देख लिया उसे और सरजे राव जी फंस गए। नहीं, फंसे नहीं है और संभवतः फंसेंगे भी नहीं। अभी ऑनर, मधुरिमा की माताजी ने क्या देखा ये मधुरिमा की माताजी स्वयं कटघरे में आकर हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। इजाजत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस डोम कौए को, इतना बड़ा था वो, उसने मेरी बेटी को मार डाला, खूनी कौआ था वो और तू भी खूनी है रे।
गद्दार तुला, है जा होएगा तेरे को, गटर में सड़ सड़ के मरेगा तू, और तेरी सड़ी हुई लाश को चिलकौए भी नहीं खाएंगे। एकाई की बद्दुआ है तुझे, पापी हत्यारे, तू भी मर जा जैसे तूने मेरी बेटी को मारा है। मीनाक्षी जी, आप संयम में रहिए, वरना आपको अदालत के बाहर भेजना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, मैं आपकी मनोस्थिति को समझ रहा हूं। अपनी बेटी खोई है आपने, मैं भी चाहता हूं कि आपको न्याय मिले, आपकी बेटी के हत्यारे को दंड मिले, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। बताइए, क्या देखा था आपने उस रात? सुल्तान को देखा था आपने ठीक से? मैं कंबल ओढ़कर सोने ही जा रही थी तो मुझे मधुरिमा की थोड़ी सी चीख सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि मेरा बेटा मदन और वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मधुरिमा की और जोर से चीख सुनाई दी तो मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर की ओर आई। मधु, तू ठीक तो है ना? बेटी कहाँ है तू? कहाँ है? कहाँ है? ठीक है ना तू? ये तो सरजी राव का कौआ है, बल्ब तोड़ डाला। ठहर, मैं अभी टॉर्च लेकर आती है। कहाँ है रे तू नास पिटिया? कहाँ है? तो आपके कथन के अनुसार मीनाक्षी जी, आप जब बाहर गई तो वहां रोशनी बहुत कम थी, मतलब एक ही बल्ब जल रहा था, वो भी जीरो पावर का, है ना? और इतनी धीमी रोशनी में आपने कौए को पहचान भी लिया कि वो सुल्तान है, और फिर आपने कहा कि सुल्तान ने वो बल्ब फोड़ दिया। फिर आप अंदर गई, टॉर्च लेकर बाहर आई और टॉर्च जलाकर देखा तो सुल्तान वहां बैठा हुआ था अलमीरा के ऊपर। अलमीरा के ऊपर बैठा था, आपने देखा था सुल्तान को? हाँ, वो फिर वहां से उड़ गया। तो उस समय आपकी बेटी का शव कहाँ था, ये बताइए? वो डाइनिंग टेबल के पास। और जिस अलमीरा पर सुल्तान बैठा था, वो अलमीरा डाइनिंग टेबल से कितनी दूरी पर था? यहाँ से उस दरवाजे तक। यहाँ से उस दरवाजे तक? चलिए, क्या आप ये कहेंगी कि सुल्तान का कदकाठी कुछ ऐसे इस फाइल जितना था? हो। अच्छा, ये देखिए, आपने कहा इतनी दूरी पर था, तो क्या आपको दिख रही है ये फाइल? हो। मैं चाहता हूं कि आप ये इस टॉर्च को लें और टॉर्च की रोशनी में फाइल को देखने का प्रयास करें। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अदालत की रोशनी धीमी की जाए। इजाजत है। मीनाक्षी जी, मैं दिख रहा हूं आपको, अब ये जो फाइल मेरे हाथों में थी, ये मैं ऊपर नीचे करूंगा। देखिए, ध्यान से देखिए। हो। अब बताइए, मैंने फाइल कितनी बार ऊपर और नीचे की? 3-4 बार, मेरा ख्याल है 3 बार। विश्वास से कहिए, कितनी बार ऊपर नीचे? 4 बार। 4 बार पक्का? क्रोनर, मैं आग्रह करूंगा कि अदालत की बत्तियां ऑन की जाए। इजाजत है। क्रोनर, पता नहीं कैसे मीनाक्षी जी ने मुझे फाइल 3-4 बार ऊपर नीचे करते हुए देखा, क्योंकि मेरे हाथों में फाइल तो है ही नहीं। क्रोनर, फाइल यहाँ मेरे मेज पर पड़ी हुई थी।
मीनाक्षी जी, आपको अदालत की मंद रोशनी में ऐसा लगा कि मैंने चार बार फाइल ऊपर नीचे किया जबकि मेरे हाथों में फाइल था ही नहीं, और उस रात तो आपके घर में घोर अंधेरा था। फिर आप कह रही हैं कि आपने टॉर्च की रोशनी में इतनी ही दूरी पर एक काले कौवे को देख लिया, पहचान लिया। ये तो संभव नहीं है क्योंकि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। द्वितीय बात मीनाक्षी जी कि आप जब बाहर आई, आपने कहा आप बाहर आई और फिर आप टॉर्च लेने अंदर गईं, टॉर्च लेकर बाहर आई, आने जाने में डेढ़ दो मिनट तो गया होगा। क्या लगता है आपको, डेढ़ दो मिनट गया होगा? तो इतना समय बहुत होता है कि बाहर से कोई आए और हत्या करके वहां से पलायन हो जाए, संभव है? क्या हुआ देवा रे देवा? अरे आई, क्या हुआ मधु को? योर ऑनर, ये सब केडी साहब का इमेजिनेशन है। सच्चाई मतलब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि रेवन के चोंच के निशान थे मधुरिमा के शरीर में, और उस रेवन यानी कि सुल्तान के मालिक हैं ये भाई साहब। ये रही रिपोर्ट। योर ऑनर, अत्याधुनिक तकनीक से इनके डोम कौवे के आकार प्रकार का हथियार भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं। किंतु एक कौवे के प्रति इतना चालाक होना कि किसी के आते ही वो बल्ब को जाकर तोड़ दे, ये योर ऑनर असंभव सी बात है। लेकिन योर ऑनर, मीनाक्षी जी ने अपने कमरे से वो चीख की आवाज भी सुनी थी। केवल मधुरिमा की आवाज सुनी। और हम सब जानते हैं योर ऑनर कि जब कोई पक्षी विचलित होता है, कौवा, तो बहुत ही काँव काँव करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन मीनाक्षी जी ने ऐसा कुछ नहीं सुना। इनका कहना है कि इन्हें ऐसा लगा कि मधुरिमा अपने भाई मदन से लड़ाई कर रही है। मुझे लगता है आप केडी साहब मदन जी पे ये आरोप मढ़ना चाहते हैं। मदन जी का इस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। योर ऑनर, ये बात मदन जी ही कटघरे में आकर स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा। इजाजत है। अरे बाबा, झगड़ा मतलब ऐसे ही तू मैं। अब हर भाई बहन के बीच में ऐसा होता है, कभी टीवी के लिए, कभी रिमोट के लिए, कभी रेडियो के लिए, कभी खाने पीने के लिए। नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हर झगड़े की एक सीमा होती है मदन। योर ऑनर, झगड़े के चलते ना कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, ना ही कोई भाई अपनी बहन पर। इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस इन कोर्ट योर ऑनर। और जो व्यक्ति अपनी बहन को मार सकता है, वो अपनी बहन को मार भी सकता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहन का खून क्यों करूंगा? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो सर्जे राव से विवाह करे। और जब वो आपकी इस सोच के विरुद्ध गई, तब आपने उसकी हत्या कर दी। हाँ, नहीं थी वो सहमत, क्योंकि वो सर्जे राव से प्यार करती थी। मेरी बहन थी, मैं भी उससे प्यार करता था, मेरी लाडली थी वो। हाँ, लाडली थी, लेकिन आपने उसे समझाया बुझाया, वो नहीं मानी, तब आपका अहंकार जागा और आपने उसकी हत्या कर दी। और ऑनर, इट्स अ केस ऑफ ऑनर के लिए। नहीं, झूठ है ये। मैंने मधु पे आज तक हाथ तक नहीं उठाया। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पूछ लूं, उनकी जो घनिष्ठ सहेली है संगीता, उन्हीं से पूछता हूँ, आपको आपत्ति ना हो तो। आपकी और मधुरिमा के बीच कितने वर्षों से मित्रता थी? जी, 18 सालों से। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम बात नहीं करते थे या हम मिलते नहीं थे। हम आपस में सारी सीक्रेट शेयर करते थे। सामान्य संयोग में तो नहीं पूछता आपसे प्रश्न, किंतु परिस्थिति तो आप जानती ही हैं क्या है, पूछना पड़ रहा है। क्या मधुरिमा ने कभी अपने भाई मदन की शिकायत की थी आपसे? जी, कई बार। मधुरिमा अपने भाई से बहुत डरती थी और उसने कई बार अपने भाई मदन की मुझसे शिकायत भी की थी। झूठ बोल रही है ये।
संगीता तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऑर्डर ऑर्डर। मदन जी आप बैठ जाइए वरना आपको हिरासत में लिया जाएगा। योर ऑनर, संगीता झूठ नहीं बोल रही है और इसका प्रमाण है इनके मोबाइल पर मधुरिमा का भेजा गया एक संदेश। आपकी अनुमति हो तो इन्हें इनका मोबाइल ऑन करने को कहूं। इजाजत है। योर ऑनर, संदेश कहता है कि अब मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। मेरे भाई मदन मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने सर्जे राव से अपनी सगाई नहीं तोड़ी तो वो मुझे जान से मार देंगे। क्या कर रही थी तू? भैया मैं तो गेम खेल रही थी। भैया गेम खेल रही थी तो फोन क्यों छुपाया? फोन दे। तू सर्जा को मैसेज कर रही थी ना? हाँ, झूठ क्यों बोल रही है तू? तुझे कितनी बार समझाया कि उस निकम में सर्जा को मैसेज मत किया कर, दांत तोड़ दूंगा तेरा, खाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर्जा बुरा इंसान नहीं है। तो मैं बुरा इंसान हूँ। एक बार तुझे समझा देता हूँ मधु, अगर उस सर्जा का साथ तूने नहीं छोड़ा, उस सर्जा को तो बाद में मारूंगा, पहले तुझे जान से मार दूंगा और काशी भी नहीं नहाऊंगा। योर ऑनर, ये संदेश 31 जनवरी 2014 को भेजा गया था शाम 7:17। और मधुरिमा की हत्या 31 जनवरी 2014 को हुई रात के 11 और 11:30 के बीच। अब इसे क्या समझा जाए? सर, उस दिन मधुरिमा मुझसे मिलने आई थी और उसने ही मुझे बताया कि उसने सर्जे से अपना रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि सर्जे तो उसे भाग के शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैं मधु को जानती थी, वो ऐसा कभी नहीं करती क्योंकि वो अपने भाई से बहुत डरती थी। उसे डर था कि अगर वो लोग भाग गए और उसके भाई मदन ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा। सर, एक और बात बतानी थी, लेकिन संगीता निर्भय होकर बोलो, तुम तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। सर, एक और बात बतानी थी, लेकिन संगीता निर्भय होकर बोलो, तुम तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। सर, जिस दिन मधुरिमा का कत्ल हुआ उसी शाम को उसका फोन आया था मेरे पास और वो बहुत घबराई हुई थी। हेलो संगीता। क्या हुआ मधु? संगीता, वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन मार डालेगा? मेरा भाव मदन दादा मुझे मार डालेगा। संगीता, क्या कुछ भी बोलती है तू? मैं कुछ भी नहीं बोलती, उसने मुझे मारने की धमकी दी है। अरे, वो गुस्से में बोल रहा होगा। नहीं, गुस्से में नहीं, उसने मुझे मारने का प्लान बनाया है और वो हथियार भी लेके आया है। मैंने अभी उसे तकाने की तरफ जाते हुए देखा है। संगीता, क्या? कौन सा हथियार? संगीता, कोई आ रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। योर ऑनर, संगीता के कथन के अनुसार मधुरिमा को अपने भाई मदन से खतरा था और वह हथियार मदन ने अपने घर के तहखाने में छिपाया है। माय लॉर्ड, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मदन जी आप चुप रहिए, अदालत की कार्यवाही में दखल अंदाजी मत कीजिए। योर ऑनर, अगर मदन जी इतने दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं कि इनके तहखाने में कुछ छिपाया हुआ नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप पुलिस को आदेश दें कि वहां जाकर इनके तहखाने की छानबीन करें। ये अदालत पुलिस को ये हिदायत देती है कि वो मदन जी के घर के तहखाने में जाए और वहां की तलाशी ले।
और जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचती है मदन जी को पुलिस की कस्टडी में रखने का ऑर्डर सुनाती है। जाओ तलाशी लो। यस सर। यहाँ की बाकी सभी चीजों पर धूल जमी हुई है, मकड़ी के जाले भी हैं, सिर्फ इन चार चीजों पे नहीं है। ऐसा लगता है कि मार्केट से कुछ ही दिन पहले खरीद कर यहाँ रख दिया गया है। इसका जवाब तो मदन को देना ही होगा। कोयता, रस्सी, बंदूक, संदूक, ये सब आप ही के तहखाने से पुलिस को प्राप्त हुआ। क्या 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 है चक्कर? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं? अगर आपकी स्मरण शक्ति अक्षम हो गई है तो उसे सक्षम करने में हमारे इंस्पेक्टर साहब आपकी मदद कर सकते। एक घंटा आपने बताया, सब याद आ जाएगा। जी जी, नहीं नहीं नहीं, दरअसल ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी। बंदूक आपने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, तो फिर ये जो संदूक है, जो रस्सी, कोयता, ये क्या, क्यों? पिछले कुछ समय से कोई मुझे बार बार फोन पे धमकियां दे रहा है मेरी जमीन को लेकर के, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीजें अपने पास रखी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बंदूक का लाइसेंस तो हो गई है आपके पास? लाइसेंस बंदूक का होना चाहिए। नहीं 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 है, नहीं है बंदूक का लाइसेंस योर ऑनर, नहीं है इनके पास। जो अपने आप में एक दंडनीय अपराध है, और बाकी का सामान जो है वो कोयता, रस्सी, संदूक, ये इसका क्या चक्कर है? जी, मैं सोच रहा कहीं वो मेरे सामने ना आ जाए और मैं उसे उलझ ना पड़ूं और गुस्से में आकर के कहीं मैं उसकी जान ना ले लूं तो। अच्छा 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 अच्छा, अब समझा। ये अगर किसी की हत्या हो जाती आपके हाथों या आप कर देते हैं तो उसे रस्सी से बांध कर नीचे अपने तहखाने में ले जाते, कोयते से छोटा छोटे 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 टुकड़े करते और संदूक में भर के बाहर ले जाते, कहीं खेत वेत में डाल के आ जाते। और ये सब आपने आपने किसी और के लिए सोचा होगा, अपनी बहन के लिए तो नहीं सोचा होगा? मदन, तू भाई नहीं कसाई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता। मैं तुझे बोला था तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, खड़े हो जा। मिस्टर पाठक, आपको वार्निंग दी जाती है कि आप अपने मुवक्किल को समझाइए कि वो संयम में रहे। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल के इस बर्ताव के लिए क्षमा चाहता हूँ। टू बी प्रोसीड। हाँ तो मदन जी, रुकावट के लिए खेद है। अब बताइए अपना समय लेकर कि आपने अपनी बहन की हत्या क्यों की? हाँ, ये सच है। सच है कि मैं मधु से नफरत करने लगा था। मधु की वजह से मुझ पे और मेरी माँ पे लोग ताने कसते थे, यहां तक कि मेरी सगाई टूट गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। बस सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने के लिए, सिर्फ धमकी। मारा नहीं है मैंने उसे। आप कह रहे हैं मारा नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने मारा है। मैंने ये सारे यहाँ साधन प्रस्तुत किए हैं ये स्पष्ट करने के लिए कि आपने मारा है। आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा, आपके पास कोई साधन है प्रमाणित करने का? वकील साहब, आपने क्या कहा कि खून 11 से 11:30 बजे के बीच में हुआ? जी जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 11 बजे तक अपने दोस्त पंकज के घर पे था और करीब 11 बजे मैं वहां से निकला। आप अपने दोस्त पंकज के घर पे थे? जी। और इस बात का कोई प्रमाण? हाँ, जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो मैं पास के एटीएम में गया और वहां से मैंने 1,000 रुपए निकाले और ये रही उसकी रसीद। अब क्या कहेंगे केडी साहब? योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए इनके मित्र पंकज को हमें समन्स भेजना चाहिए।
ये अदालत मिस्टर पंकज देशमुख को समन्स ऑर्डर भेजेगी और उन्हें अगली तारीख को अदालत में हाजिर रहने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न। जी सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, पता चल जाएगा। ओके सर, बाय। कौन था? केडी सर। हाँ, केडी सर का फोन था। वो चाहते हैं कि मैं पता लगाऊं कि पंकज देशमुख और मदन के बीच क्या चल रहा है। वरुण, मैंने ये तो सुना था कि जानवरों को मर्डर के लिए ट्रेन किया जाता है, पर ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि पंछियों और परिंदों को भी मर्डर के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इट्स वेरी वियर्ड। सुने ना, कुछ परिंदे होते हैं जो शिकार के आदी होते हैं। वो बहुत आराम से दूसरे जानवरों पर वार करते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इंसानों पर कभी वार नहीं करते और ना ही उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जा सकती है। मुझे इस केस में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या लग रहा है तुम्हें? केडी से ये केस हार जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं है। मैं केडी सर पर कैसे शक कर सकती हूँ? मुझे बस डर लग रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने को है। इस केस के वजह से हमें कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। लेट्स गो। साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.in।